क्या हो गो? अरे यार, वो डॉक्टर का फोन आने वाला था, हाँ, वो आया नहीं भैंस की आंखों। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है जी। और चोप और फ्रेंक अंकल जी दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। मैं कहा चोप के साथ तो मैं रहूंगा, मेरा प्यारा चोपड़ी, मेरा दुलारा चोपड़ी। और आप देख सकते हो कि एम्बुलेंस यहाँ से चल रही है। खा ले खा ले चोप, खा ले खा ले चोपड़ी जिमी। चोपड़ी खा ले खा ले चोपड़ी। अरे क्या हो गया अंकल? जिमी, चोप की सांसें बहुत ही कम चल रही है। ठीक है छोटे, बता दिए कोई दिक्कत हो फिर तो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग? होप कर दो सब बढ़िया होंगे, मजे करोगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। फिलहाल जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कॉलेज में था और ओली वगैरह के साथ मैं थोड़ी बातचीत वगैरह करी यार, पर क्या ही कर सकते, मेरा मूड भी फिर ऐसा हो यार। करे तो करेगा, फ्रैंकलिन अंकल जी का दोबारा फोन आ गया मेरे पास और वही टेंशन, चोप की टेंशन। अब आप भी काफी लोग सोचोगे कि भाई चोप का अपडेट तो दो, क्या सीन है क्या नहीं। तो सीन ये है गाइस, देखो एम्बुलेंस आ चुकी थी, हम चोप को लेके चले गए थे, लेके गए हॉस्पिटल। पहुंचे तो हॉस्पिटल में अंकल जैसे कह रहे थे ना, आपने सुना होगा वीडियो में, चोप नहीं रहा ऐसा कुछ नहीं था। चोप की सांसें चल रही थी पर मेन सीन ही हो रहा है ना, वो सांसें बहुत रुक रुक के ले रहा है। तो ये सीन हो रही थी, हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने यही कहा कि भाई साहब देखो हम कर रहे ट्रीटमेंट उसकी चालू ही थी पर हमें रुकने नहीं दिया, रात को तो हम यहीं आ चुके थे। और अब अंकल जी मुझे कह रहे एक बार जिम यार फटाफट घर पे आ जा, पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने जिग्गू ओली सैम को सबके बाय कह दिया और मैं जा रहा हूँ गाइस अब अंकल जी के पास। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। चलते अंकल जी के पास, देखते क्या सीन है क्या नहीं। अभी हमारे इतने काम रुके हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको दिखाऊं कि कैसे क्या क्या काम हम उसमें कराने वाले हैं। उस चीज का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि पहले अभी चोप का हमें देखना है क्या सीन है। पहले किडनैप हो गया, फिर मिला, तो फिर ये हालात हो गई। बाकी सारे डॉग्स काफी सही थे पर चोप के साथ ही पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। वो तो आज हमें डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि चोप इस हालात में हो गया। और ये गाड़ी भी मैं अपने मित्र ही लेके आया हूँ, तो इसी में हम जाने वाले हैं। तो लेट्स गो, फटाफट चलते हैं अपने कलू अंकल जी के पास और मिलते हैं आपसे सीधा उनके पास जाके। बाकी माहौल तो काफी सैड सैड लोनली लोनली वाला हुई है। चलो लेट्स गो, चलो लेट्स गो गाइस, हम बस पहुंचने वाले हैं। भाई साहब नींद सी आने लग रही है, रात को भी मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि लेट आ गए, लेट हो गए थे हम काफी ज्यादा वहां से आने में ही। अब क्या करें भाई, इतनी दूर भी तो है, उसको रखा ही गाइस पैलेटो बे है, अब क्या कर सकते हैं। चलो डोला रे डोला डोला, कहाँ है हमारे अंकल जी? यार बेचारा चोपिया अच्छी तरह हंसता खेलता रहता था, मैं आता था तो मेरे पैर चाटता था गाइस, मेरे ऊपर खुद जाता था, उसकी याद तो काफी याद आ रही है। पर चलो कोई नहीं, बोरे अंकल। हाँ जी अंकल जी नमस्ते, क्या हाल है? अरे जी भी इतने लेट कैसे हो गया हरामी? अरे यार अंकल जी वो देख सकते हो ना, कॉलेज से आया हूँ मैं। अरे मुझे तो देख कितना स्ट्रेस हो रहा है, क्या बताऊँ जी भी। क्या होगो? अरे यार वो डॉक्टर का फोन आने वाला था, हाँ। वो आया नहीं भैंस की आंखों, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है जिमी। डॉक्टर का फोन हो, क्या आपने मिलाया खुद फिर? अरे नहीं, उन्होंने मना किया था जब मैं, मतलब कि उन्होंने ये कह रहा है कि अभी कुछ चल रहा है उसका ट्रीटमेंट तो फोन वगैरह हम ना करे बार बार। फिर एक काम करते फिर चलते हैं ना, इतने टेंशन का ले रहे हो, चलते हैं उसके पास देख के आते हैं चोपड़ी को। हाँ यही करना पड़ेगा यार जिमी, कुछ लेके आ फटाफट। लेके क्या, ऊपर गाड़ी है, चलो आ जाओ। चले चल, गाड़ी लेके आए? हाँ गाड़ी लेके आया अंकल मैं। चलो चलो फिर चलते हैं, एक बार मैं ना फोन वोन उठा लेता हूँ अपना अंदर। हाँ तो ठीक है गाइस, अब अंकल जी का टेंशन में देख लो कैसे हाथ कप कप आ रहे हैं, अंकल जी ऐसे हो चुके हैं। अब ये तो होना बनता ही है भाई साहब, अंकल जी के दिल के काफी ज्यादा करीब था वो चोपड़ी, अब उसके हालात ही ऐसे ना, वो अंकल जी को रुकने दे रहे हैं वहाँ, ये सीन हो गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं अंकल जी आ रहे, जब तक मैं गाड़ी गुड़ी मोड़ लूँ और फटाफट सुकर करो, थोड़ी गाड़ी भी ऐसी लाया जो कि तेज भगती है। तो लेट्स गो, वेट करते हैं अंकल जी का और फिर यहाँ से निकलते हैं। कहाँ रह गए, फोन उठाने में इतना टाइम लगता है क्या यार? हेलो, देख रहे हो गाइस पिकअप, देख रहे हो इसमें कितना गंदा है। आजा भाई आजा आजा आजा, वो मेरे को गाड़ी भी नहीं दे रहा, कह रहा भाई कैसे चलाई नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। मैं कहा अच्छा हम बूस्ट वाला मोड इसका ऑन ही नहीं करेंगे। अरे अंकल कहाँ रह गए यार, इतना टाइम लगता क्या? अरे झुमका दिलाऊंगा सब कुछ दिलाऊंगा, जल्दी तू आ जा रे अंकल, रे अंकल ली अंकल जल्दी आओ यार। अरे आ गया आ गया, बस एक बार वो बैठो। चलो चलो चलो, गाड़ी कैसी लग रही है? अरे यार इसमें तो मेरे पैर ही नहीं आ रहे जिमी। यार अंकल जी नई वाली गाड़ी से लाया, कहीं जाना भी हो तो जल्दी निकल जाए हम, स्पीड स्पीड सही है ना इसकी? अच्छा भाई तो स्पीड तो काफी अच्छी लग रही है। अभी तो मैं हाईवे लेके जाऊंगा, फिर देखना एक चीज जिसमें बूस्ट मोड भी होता है वो चला के दिखाऊंगा आपको। क्या कर रहा जिमी? अरे अंकल करना पड़ता है यार, आप रबर चोप को देखने के लिए मैं भी ऐसे हो रहा हूँ, फटाफट पहुंचो और देखो तो सही क्या हालात है उसके। हाँ वो भी सही बात है, फटाफट ले ले जी। देख रहे हो कैसे भक्ति है जू, आवाज सुनो इसकी जू। हाँ एक नंबर है, आवाज ही बढ़िया है गाड़ी।
तो ऐसे ही देखो गाइस किस तरीके से हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे सीधा हाईवे पे जाके। लेंगल अब देखिए स्पीड इसकी। अरे जी भी फिर भी देख के चलाइए, स्पीड तो ठीक है यार, पर मेरे बाद अभी थोड़ा सा खाली रास्ता मिल जाता ना फिर तो मैं इसका और सीन दिखाता आपको। बूस्ट मोड खाली नहीं है रास्ते। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा खाली मिल जाएगा गाइस आपको, इसका बूस्ट मोड दिखाने वाला हूं मैं। अरे भाई ये देखो, अरे भाई साहब कितनी तेज बनती है, अभी देखना ये देख रहा हूं अंकल, ब्रेक देखो ऐसे खड़े ब्रेक लग जाते हैं इसमें, यार इसमें रिस्क नहीं है, फिर रिस्क नहीं है अंकल जी, गाड़ी बिल्कुल प्यारी सी है। अरे अरे यार अंकल जी, पुलिस वाले ने क्या कहा फिर? पुलिस वाले तो कह रहे हैं भाई चल रहा उनके ऊपर केस। वो आंटी का क्या सीन था फिर? अरे आंटी तो वहाँ पे वो मतलब आंटी का मतलब ये सीन था कि उनकी गैंग में थी। अच्छा, आंटी को पायलट इसलिए बनाया क्योंकि ज्यादा सख्त ना होता था। तो देख लो गाइस जैसे कि जो कल प्लेन उड़ा रही थी वो आंटी, जैसे कि मैंने उसे पकड़ के नीचे पटका, तो वो आंटी को भी उन्होंने अपनी गैंग में रखा था, अंकल जी ने भी बताया क्योंकि सारी डिटेल पुलिस वालों ने अंकल जी को ही बता रखी है। तो यही सीन हुआ था, आंटी भी पकड़ ली, उनकी गैंग पकड़ी गई भाई स्मगलिंग वाली, और पहले भी हमने पकड़ ली, उनका इतना बड़ा ग्रुप है भाई, अभी भी पकड़ेंगे और। पर चलो कोई नहीं, हम सीधा चलते पहले हॉस्पिटल, फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि चोपड़ी को देखना जरूरी है पहले। तो ठीक है यार, यहाँ पे एटीएम से थोड़ा बहुत कैश निकालना था गाइस, हॉस्पिटल के अंदर ही है वो, मैंने निकाल लिया है। तो चोप है यहाँ पे, तो आप ये क्या चल रहा है डॉक्टर भाई, ये तो गलत है। अरे क्या हो गया अंकल? चोप की सांसें बहुत ही कम चल रही है। अरे अरे तो देख सकते हो गाइस वो डॉक्टर जी प्रयास कर, अरे रे काय दिक्कत है, चल तो रही है ना। अरे रे बहुत सीरियस कंडीशन है जिमी, डॉक्टर ने कहा है ये? हाँ वही तो। अरे रे क्या करे क्या करे क्या करे। अरे जिमी अपना आखिरी बार देख ले चोप को। अरे अंकल ऐसे नहीं बोलते, चुप। ऐसा ही देख ले चुप रे, और चोप पुत्र आजा खेलने चलेंगे, चोप 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 चोपड़ी। तो गाइस ये नो रिस्पांस कर रहा है अंकल जी, क्या बोलूं मैं जिमी, क्या कर सकते हैं अब, क्या करे बता जिमी तू बता। अंकल जी अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं बस ऊपर वाले से। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अलावा क्या ही करे अब हम। बाकी गाइस डॉक्टर जी अपने ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, हमें वेट ही करना पड़ेगा। अंकल जी वो भी बाहर भी बोल रहे हैं कि अंदर नहीं रुक सकते हम। चलो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अपने चोप को छोड़ के, जाना पड़ेगा अंकल। नहीं जाऊंगा जाना पड़ेगा अंकल, नहीं जाना पड़ेगा अंकल, नहीं जिमी नहीं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है अंकल, क्या करे। चल फिर क्या ही कर सकते हैं, जल्दी आ जाओ अंकल जी। अरे अंकल सुनो तो सही, वो मीटर क्यों देख रहे, उन्होंने मना करा है ना। अरे रे चुप की, चल मेरे साथ अंकल, हमें क्या हमें करना ही पड़ेगा ये सब। नहीं जिमी मुझे मत लेके जाओ यार, वो अंदर फिर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, उन्होंने बोला है ना हम अंदर नहीं रख सकते। नहीं मुझे तो वहीं रहना है। अरे अंकल रहना तो मुझे भी है, पर डॉक्टर ने कहा है कि आपको वेट ही करना पड़ेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना इसके अलावा। तो देख लो गाइस आपको और डॉग्स की भी भौंकने की आवाज आ रही होगी। ठीक है अंकल जी सुन ले मेरी बात, अब आगे अंदर गया ना फिर देखियो, तेरी तो खोपड़ी तोड़ूंगा, रुक जा एक बार चुप को ठीक होने दे। आप कहाँ जा रहे हो अब, आप क्या कर रहे हो ये बता मुझे। मैं जा रहा हूँ यहाँ छोड़ के, अब मैं भी नहीं रह सकता जी। अरे बात तो सुनो भाई, अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल तेरी ऐसी, रुक रुक अंकल, नहीं अंकल आपको खुद आना खास था, अगर आप चले गए तो आपको देख लो। अरे रुक रुक रुक, तो ठीक है गाइस अंकल जी और मैं, तो अंकल को मैं थोड़ा शांत कर दूं और फिर आपसे मिलता हूँ। मैं भी जिमी चोप के साथ ऐसे ही घूमता था। अरे अंकल बस यार यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चिल पिल कराने के लिए लाया हूँ, आप फिर वही बातें। ये देख जी मैं ऐसे ही भागता था चोप भी। अरे ठीक है तो गाइस फिलहाल अभी आप सोच रहे कि हम यहाँ के अगर नए, मैं सोचा अंकल जी का थोड़ा दिमाग वहाँ से हटा के यहाँ पे ले आते हैं, तो इसलिए यहाँ आए थे। पर क्या करें अंकल जी का दिमाग भी वही है, वैसे दिमाग तो मेरा भी डिसाइड हो रहा है कि भाई क्या सीन होगा क्या नहीं, जिस हिसाब से डॉक्टर ने हमें बताया है, पर क्या ही कर सकते, किस्मत ही होगा, बुद्धू भी ठीक करेगा बोन मिटे दा दूध। अंकल जी कुछ ऐसी चीज जो चोप को पसंद हो हम वो लेके चलते हैं यार। जिमी चोप को तो फ्रूट्स बहुत पसंद थे। फ्रूट्स तो, फ्रूट की दुकान तो मुझे यही पता है गाइस, चल रहे फ्रूट्स की दुकान,
लेके आते हैं अपने चोपड़ी के लिए अच्छे से फ्रूट्स वगैरह। और भाई साहब ऐसी भगता था हमारा चोपड़ी का अंकल। क्या ही बोलूं अब मैं जिमी अंकल, जिमी जिमी क्या कर रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कोई डॉक्टर कोई पीट दूंगा अगर चोट पे कुछ हो गया तो। अब क्या कर सकते हैं जिमी, कुछ तो करना पड़ेगा अंकल जी, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना हम। कुछ लेके चलते हैं, क्या पता उसको अच्छा लगे वो उठ पड़े। तो लेट्स गो गाइस, सीधा मिलते हैं फ्रूट्स की दुकान। ठीक है अंकल जी, ले लिए? बिल्कुल बिल्कुल ले लिए जिमी, फटाफट चलो। तो गाइस हमने केले ले लिए, संतरे ले लिए और अंकल जी ने एक दो चीज और लिए और निकल गए हम दोबारा चोपड़ी के पास। ये देखो अंकल जी स्पीड भी अंकल क्या कर रहा है जिमी, शुक्र करो भाई कंट्रोल में होगी। अरे ये बच गए जिमी, नहीं तो अभी झुमका गिर गया था अंकल जी हमारा। अरे ये आराम आराम। अरे अंकल अंकल और एक और सीन, क्या हो गया अब? सीन तो काफी गलत हो गया अंकल। क्या हो गया जिमी ये तो बता। सीन ये हो गया है कि जो चोप है ना, हाँ फिर मैसेज आया डॉक्टर का। अरे नहीं नहीं जिमी ये नहीं हो सकता कि चोप अब अच्छी तरह थोड़ी सांसें ले रहा है। चलो देखते हैं, वो तो चल के देखते हैं। आओ अंकल जल्दी जल्दी मुझसे नहीं रहा जा रहा, सारे फ्रूट लेके फटाफट आ जाओ। तो गाइस जा रहा हूं मैं चोपड़ी के पास। लेट्स सी तू क्या करके आ रहा है, तेरी बुतरी चोप का इलाज हो रहा है, तू बता दियो अंदर अभी। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं मिलते हैं चोपड़ी से। अरे भाई साहब प्यास इतनी लग जाती है गाइस क्या ही बोले। चलो अंकल जी को अंदर भेज दिया, भाई साहब मुझे नहीं भेज रहे थे, अब मुझे बोला कि अब आप जा सकते हो। अरे अंकल खा ले चोप, खा ले चोपड़ी खा ले चोपड़ी खा ले। देख सकते हो गाइस अब जाके चोप ने मूवमेंट करी और डॉक्टर क्या कह रहा था जब इसने मूवमेंट करी थी अंकल। अरे भाई साहब इसने तो सारा सामान बिखेर दिया था जिमी। अरे 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 तो गाइस डॉक्टर साहब यही कह रहे थे जैसे एकदम से इसे होश आया ना ये उठा और यू आड़ा टेढ़ा घूमता गया, सारा सामान नीचे गिरा, फिर इसके लगाए इंजेक्शन इंजेक्शन थोड़ी नींद वगैरह के, जिससे देखो इसको दोबारा से नींद सी आ रही है। डॉक्टर ने यही बोला कि हार्ट बीट भी अभी इसकी एकदम से ऐसा नहीं कि हाँ बाप सर थोड़ी सही चल रही है, मतलब पहले तो इतनी लो होती, इतनी धीरे धीरे सांस लेता, पर उससे तो काफ़ी सही है, पर अभी तक एक जो फिक्स इनकी रहती है उस पर नहीं आई है। बाकी इसका जो खाना खुना हमने दे रखा, देखो जीव निकाल रहा है, पर भाई अंकल खतरे से तो बाहर आए अब। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक किया पहले से तो। अरे ये खा ले चोपड़ी, ये चोपड़ी देखा जा खेलेंगे फिर चोपड़ी चोपड़ी। भाई साहब पहले तो इसके हालात भी ऐसे गाइस मुंह खुला खुला, और डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये सब क्यों हुआ है और ये सब यूं बोला ये सब इसीलिए हुआ गाइस, ना इसने खाया था ना पिया था, और जब ये धूप में भी खेल रहा था अंकल जी हमारे साथ, याद है ना? हाँ वही तो, दो दिन से कुछ दिया ही नहीं से, तो ये हालात की वजह से इसके साथ ये हुआ था। पर फाइनली हमारा चोप अब आप देख सकते हो कि गाइस बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर से और बातचीत करेंगे कि अब क्या क्या सीन हम इसे ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते वो भी बातचीत करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है गाइस एम्बुलेंस में हम बैठे हुए हैं, मैं और चोप और फ्रेंड अंकल जी दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं। मैं कहा चोप के साथ तो मैं रहूँगा, मेरा प्यारा चोपड़ी, मेरा दुलारा चोपड़ी। और आप देख सकते हो कि एम्बुलेंस यहाँ से चल रही है, हम दोनों पीछे बैठे हुए हैं, मस्त कर रहा पीछे अंकल वाली गाड़ी लेके आ रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे आए। और सही है डॉक्टर साहब ने यही बोला कि भाई इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, लेके तो तुम जा रहे हो अब, बाकी हमने इसका चेकअप दोबारा कराया, हमने पूछ लिया अगर रखना हो तो तुम रख लो। मैं डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसे तो कोई नहीं है, यहाँ पे भी हम इसे ऐसी देखेंगे, अगर तुम्हें लगे कि हाँ तो इसे ये वाली दवाई दे देना। फिलहाल खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि चोपड़ी जिम बाहर निकाल रहा, रुकता घड़ी प्यास लग रही है तेरे। ओहो तो ये देख लो, तो एम्बुलेंस वाला कितने की तरह हमें लेकर जा रहा है। ओ भाई आप एम्बुलेंस वाले पट्टे ड्रिफ्ट मारते मारते जाएगा लॉस सैंटोस, देख लो गाइस। ओहो क्या बात है क्या बात है, मजा आ रहा है। तो चलो हम चलते हैं सीधा घर की तरफ, टाइम तो लगेगा, फिर आपसे मिलते हैं। भाई साहब क्या है ये बंदा, तो गाइस मुझे तो बाद में याद आया कि हमें इसने एम्बुलेंस में नहीं बिठा रखा, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी में बिठाया, फिर आगे जाके गाड़ी चेंज हुई, फिर एम्बुलेंस में बिठाया और अब इसमें सायरन चल रहे हैं। ये सीन तो मुझे पता नहीं था, चोपर में तो यार इससे पता नहीं था। और अंकल जी तो पहुंच भी गया, हमें पीछे में रुकना पड़ गया ट्रैफिक के चक्कर में, अंकल जी दूसरे रास्ते से निकल गए। और यहाँ देखो भाई साहब ऐसे देखो ये ट्रैफिक के कैसे लगे पड़े, ओ भाई 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 भाई, ये देखो पिछले में फायर लिखा था इसमें देखो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये ध्यान तो हमने बाद में दिया रे यार, अब ये पता नहीं कितना टाइम लगाएगा रे भाई साहब कितना टाइम लगाएगा, अभी पहाड़ों वाले एरिया में पहुंचेगा हम, बस थोड़ा सा टाइम है वैसे तो रहा है, अब अभी बहुत देख दुख के भी तो चला रहा है। अरे रे 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 भाई कुछ ज्यादा देख के चला रहे,
से तो नहीं चलानी ना भाई, आराम से चला रहे बाबा। ओ नो शिट यार, शिट शिट, अभी तो हम गोकुल धाम की सोसाइटी के साइड से निकल रहे हैं गाइस, आपको बताऊं। और यहाँ पे भी ना मुझे काफी जल्दी बहुत सारा काम आने वाला है। तो देखो ये सोसाइटी अगर आपको दिख रही होगी तो गोकुल धाम सोसाइटी में यहाँ पे आऊंगा मैं, बताऊंगा क्या क्या सीन है। बाकी मैंने सोसाइटी आपको दिखाई है कि कैसी है अंदर से, क्या क्या सीन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। अरे बाबा चोपड़ी क्यों दुखी हो रहा है, बस पहुंच जाएंगे यार, पहुंच जाएंगे। तो गाइस फाइनली अब जाके हम अपने एरिया में आए हैं भाई। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल, अरे आगे क्यों ले आया आगे, अरे भाई 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 पीछे ले, वो भटूरे इसको तो रास्ते भी नहीं पता, क्या आदमी है ये। अरे रोक ले भाई, आगे का अपनी बुआ के घर ले जा रहा है, पीछे ले ले चल, इसको बताना पड़ेगा। आइए पधारिए चोपड़ी घर पे, आइए पधारिए चोपड़ी घर के, तुम्हें देख के मैं हो गया खुश, अंकल तुझे देख के मैं हो गया खुश, आइए पधारिए चोपड़ी घर पे अंकल। भाई साहब आ गए अपना चो फाइनली, तो बल्ले बल्ले ते चावा चावा, ओ तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, नाचेंगे गाएंगे मौज बनाएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। ये देखो गाइस चोपड़ी, ये चोपड़ी। तो गाइस अंकल जी ने तो इसके लिए नीचे लाइट लगा दी, अंकल जी को लगा इसको बाहर सुनाएंगे, मैं अंकल मजाक चल रहा है, इसको अंदर सुनाना है, फिर इसके लिए मैं बेड लेके आया। अंकल जी कैसा लग रहा? बढ़िया मस्त है जी, मैं कंफर्ट से बैठा। बढ़िया कंफर्ट वाले लाते, इसके भेलों में दर्द भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंजेक्शन लगे हैं इसके अभी तो। बिल्कुल गाइस इसकी टुई में इंजेक्शन इंजेक्शन लगा करके इसकी काली टुई लाल बना दी गई है अंकल जैसी। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो फाइनली हमारा चोप आ चुका है हमारे पास, अब इसको डॉग पार्क जब भी लेके जाएंगे अपने साथ चिपका चिपका के रखेंगे, क्यों अंकल? तो यही सीन है अंकल, तो बदमाश हो रहे हैं अंकल, मान जा। अरे बस जिमी मौज ले रहे हम तो, तू भी मान जा। अब तो पार्टी बनाऊंगा गाइस, पूरे शहर को भंडारा खिला दूंगा अंकल जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो होप करता आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ साथ कमेंट करके बता देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। चौपीस बैक आप देख ही सकते हो, बाकी सीरियस कंडीशन तो हो गई थी इसकी, पर फाइनली हमारी दुआ आपकी दुआ सबकी दुआ काम कर गई और हमारा चुप अब हमारे बीच है। तो मिलता है सबसे अगली ब्रांड वीडियो के साथ, चंगा फिर अगली वीडियो।